आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरा प्रणाम मैत्री जी। मैं आप लोग बीच में आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। जी हाँ जी दोस्तों, महादेव आखिर किसे दर्शन देते हैं, महादेव आखिर किसे अपना परम भक्त मानते हैं। आज तक हम लोगों ने बहुत सारे कथाएं सुने हैं वैद्यनाथ की, जिन्हें शिव वासुकीनाथ शिव का भक्त है बट अपना मंदिर शिव अपने भक्त के नाम से बनवाए। आज हम इसी बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं साहब श्री हरदानंद जी के माध्यम से कि शिव के प्रति जिनका श्रद्धा होता है उन्हीं को शिव दर्शन देते हैं, अन्यथा जो शिव पे विश्वास नहीं करते हैं वो विनाश के पात्र होते हैं और उनका हमेशा विनाश होता है। आज हम इसी बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं साहब श्री के माध्यम से। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए तो ही समझ आने वाली है। तो चलिए वीडियो को और जाएंगे, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में चर्चा करता हूँ उसमें आप लोग भी साझेदारी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय आध्यात्म में कहा जाता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम्। अर्थकोश का अध्ययन कहता है कि जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा होगी उनको ज्ञान मिलेगा। श्रद्धावान लभते, लभ्य होता है, मिलता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम्। फिर भारत का अध्यात्म कहता है संशय आत्मा भी नश्यति। अगर आपको अध्यात्म की दुनिया में संशय हो गया है, शक हो गया है, तो आप विनाश को प्राप्त करेंगे, अध्यात्म में ऊपर नहीं जाएंगे। ये तो आपका आध्यात्मिक रूल बना हुआ है ना, भारत का अध्यात्म ऐसा कहता है ना। लेकिन क्या करिएगा, आपका सौ नियम कहता है, एक आदमी है जो कि इन नियमों को छोड़ के चलता है और निकल जाता, तब तो नियम जुड़ जाएंगे। किसी भी नियम किसी भी बात की अंतिम परिणति तो उसका रिजल्ट है, उसका तो परिणाम है। सोचिए थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं आपको ले चलता हूँ हरिनारायण की व्यक्तिगत जिंदगी में। मैंने 15 साल स्मशान में साधना की, कुछ नहीं मिला मुझको। विद्यार्थी जीवन मेरा चौपट हुआ, कुछ नहीं मिला, माँ बाप मेरे विरुद्ध हो गए, अवसर दे बेटा नहीं पढ़ रहा है तो उनको गुस्सा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और मैंने अचानक शिव को गुरु माना, मुझको मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है। जब मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना था 1974 में, यही नवंबर का महीना है जो कल से आने वाला है, नवंबर का महीना था, मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना था। मुझको तो पता ही नहीं था कि शिव गुरु है, मैं जानता ही नहीं था। बचपन में पढ़ा था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, तो यही बात दिमाग में थी कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, तो महेश्वर गुरु का नहीं है भाई। और मैंने महेश्वर सुना था शिव को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। और शिव को गुरु माना तो ये सोच के माना कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है, पूरी लफड़ेबाजी है, क्योंकि शिव शरीर में नहीं। आपको भी मालूम है, हमको तो उस समय भी मालूम था, किसको नहीं मालूम कि शिव शरीर में नहीं है। मुझको भी ये पता नहीं, बताएगा किसे, मंत्र कहां से मिलेगा, साधना कहां से मिलेगी, ये अभी तो शरीर में है नहीं, भेंट होनी नहीं है, कोई श्रद्धा मुझको नहीं थी, कोई विश्वास मुझको नहीं था। मैं तो समझता था कि बर्बाद हो गया मैं। और इसी अश्रद्धा और इसी अविश्वास में मैं बैठ के रोता था। मेरे माँ बाप मर गए, कुछ उनके मित्र लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे हमको जो पढ़ाए हैं मंडल जी, इनको कहते थे कि हमारा बड़का लड़का पागल हो गया था, रोता था बैठ के। मैं सोचता था कि मैं क्या करूंगा, सब चौपट हो गया, कि महादेव को गुरु माना यहाँ क्या हासिल होना है, ये तो शरीर में है नहीं, हमको ज्ञान कौन देगा, हमको बताएगा कौन। और मैं जिद्दी आदमी हूं, जब शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया। धीरे धीरे परिणाम आने शुरू हो गए। जिसके लिए शिव को मैंने गुरु माना, इत्मीनान से समझ गया कि वो क्या चीज है। हम चमत्कार के लिए माने थे, चमत्कार मुझको आ गया। और 8 वर्षों तक मैंने अपनी पत्नी को छोड़ के किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, इसीलिए कि हम सोचते थे कि ये तो हम डूबेंगे, तुमको भी डूबेंगे सर, कि काम हम कहा करें।
गुरु जानता था, मैं भगवान है, गुरु तो मैं जानता भी नहीं था, मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु बनाया है, पत्नी को छोड़ के किसी को मैंने नहीं कहा, मैं जानता था कि मामला बहुत लटपटिया है, इसमें फंसने का पूरा स्कोप है, तो हम तो डूबे करेंगे या सब हम आपको मिले डूबे धंधा हम क्या करें, नहीं करता था मैं। 8 साल के बाद जब परिणाम आए तब मैंने कहना शुरू किया कि अरे ये तो गुरु है भैया, तब लोगों ने कहा कि हमको पहले से मालूम है कि गुरु है, तो कोई तो श्रद्धा मेरे पास नहीं थी, कोई भी शास्त्र मेरे पास नहीं था, स्कूल में आप पढ़े हम भी पढ़े, कौन सी श्रद्धा थी मास्टर के प्रति, कौन सा विश्वास था शिक्षक के प्रति, वकील कलेक्टर और इंजीनियर बने कि नहीं आप वहां बने, बने ना, कोई श्रद्धा तो नहीं थी, हम तो कॉलेज तक नहीं थी, लाचारी पड़ता था मैं समाज के डर से, पिता के डर से, बाप के डर, माँ के डर से लाचारी पड़ता था, भलाई मुझको पढ़ाई लगती थी, परिणाम आए कि नहीं आए, मैं डिप्टी कलेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, परिणाम आ गए, कोई श्रद्धा नहीं थी तो भी परिणाम आ गए, क्योंकि शिक्षक ने अपनी गलवानी बनाई, शिक्षक ने अपनी ड्यूटी की, मैं ड्यूटी नहीं करता था शिक्षक के प्रति, नहीं करता था उस आदमी ने तो की, बच्चे तो खेलेंगे, बच्चे तो नेटवर्क होंगे ही, तो बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के यदि आप चाहें तो शिव को गुरु बना सकते हैं और हरिंद्रनाथ अभी जिंदा रहेंगे, अभी रहेंगे, मत घबराइए, आपका साथ आना चाहिए मुझको, और पूछ लीजिएगा परिणाम आते हैं कि नहीं आते हैं, मैं भेटाऊंगा, बिहार का रहने वाला हूं, अभी देवघर में रहता हूं, भारत के पंजाब के रहूंगा नहीं, यही रहूंगा, आप बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के जाइए मास्टर के पास, अब जो करता है उसका टास्क बनाइए और देखिए तो आप में परिणाम आते हैं कि नहीं, आप सीखते हैं कि नहीं, आपको ज्ञान आता है कि नहीं, हाँ श्रद्धा विश्वास हो तो अच्छी चीज है, कौन कहेगा इसको खराब चीज है, लेकिन जो चीज मेरे पास नहीं है वो कहां से लाएंगे आपको, मैं बोलिए, अरे मेरे पास श्रद्धा है नहीं तो कहां से लाएंगे किसी को देने के लिए, मेरे पास विश्वास है नहीं तो मैं कहां से लाऊंगा आपको देने के लिए, अगर इसके बिना काम चल सकता है तो बोलिए हम आते हैं, और भारतीय अध्यात्म में मैंने कहा इसके बिना भी आओ तुम शिव हो सकते हो, शिव ज्ञान को प्राप्त हो सकते हो, श्रद्धा विश्वास के बिना भी खूब मजे में काम चलेगा, है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा। आज कहा गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, किंतु आपने अपने प्रथम सूत्र में गुरु से दया मांगने की विधा दी है, कृपा करके दया और कृपा में अंतर को स्पष्ट करने की कृपा। एक भाई ने पूछा है कि भारत का अध्यात्म कहता है मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सही में बोलता है, मान लीजिए तंत्र की लाइन है, पंक्ति है मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इसके बाद और भी पंक्ति है पूजा मूलम ऐसे करते हैं, उसकी अंतिम पंक्ति है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भाई राम ने पूछा है कि आपने तो कहा दया मांगी है, कृपा आपने क्यों छोड़ दी? देखिए कृपा में और दया में थोड़ा अंतर होता, जब कानून खत्म हो जाता है तो दया चलती है, जब नियमों में आप जकड़ जाते हैं और कोई उपाय नहीं होता है तब दया काम करती है। कृपा का मानी होता है कि करो, सामान्य अर्थ उसका यही है कि करो और पाओ, जैसे हम अब बिहार सरकार झारखंड सरकार में नहीं है, सेवानिवृत्त हो गए हैं, अब हम सरकार से कमिश्नर साहब से छुट्टी मांगेंगे, वो कहेंगे भैया हमको आप हम आपको छुट्टी कैसे दें, अब तो आप नौकरी में हैं ही नहीं, उसमें हम कृपा लिखते थे हम लोग कि हमको 2 दिनों का आकस्मिक अवकाश देने की कृपा की जाए, क्योंकि नौकरी करते थे। कृपा में होता है कि हमको अधिकार है, आप नहीं करिएगा तो हम आपके ऊपर से लेंगे, लेकिन लेंगे, हम इस काम को करते हैं तो क्यों नहीं दीजिएगा। और दया का मानी होता है कोई अधिकार नहीं, दया का मानी होता है मर्सी, भारत के संविधान में भी मर्सी अपील है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब किसी को किसकी सजा संपुष्ट कर देता है तो उसको अधिकार है कि वो महामहिम राष्ट्रपति से दया की भीख मांग सकता है, मर्सी अपील कर सकता है। दया का मानी होता है कि हमको कुछ नहीं है तब भी चाहिए, है मर्सी अपॉन मी, मुझको कुछ नहीं है, पुरुषिया लाख समझा रही है शायर को कि तुम आधा पॉइंट मार्क्स मत लो, अरे कर्जा नहीं लौटा है कभी तो क्या हुआ, मत लो, तू कहता है कि नहीं हम लेबे करेंगे, पुरुषिया कहती है कि
देखो हम तो कानून में कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आधा पौन मांस काटना ठीक नहीं है। शेक्सपियर की कहानी है ये। शैला कहता नहीं हम आधा पौन लेवे करेंगे मांस, वो समझाती है मसीह चॉइस प्रेसर से गिवर एंड रिसीवर, कहती है कि देखो दया कर दो, दया देने वाले को और दया जो उसको लेती है दोनों के लिए सुविधाई है, आनंददायक है, तुम दया कर दो। शैला कहता है नहीं दया करेंगे हम, मसीह नहीं करेंगे हम। तब कहती है कि ठीक है काट लो, लेकिन एक बूंद का खून गिर गया तो हम फांसी दे रहे हैं, मांस काटेगा तो खून गिर गए। यदि दया का माने हुआ सब कुछ खत्म है, तब भी हमको चाहिए। कोई अर्हता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तब भी हमको चाहिए। हम लोगों ने कहा कि शिव को बड़ा मानिए, के उस शिव के सामने बोलेगा कि हमको मेरिट है, बताइए तो जरा। महादेव के सामने के बोलेगा कि जी हम कुछ ही अपने के सामने बुझे छी अपने, के कहेगा, के कहेगा कि महादेव हम कुछ पानी तू बुझा पड़े न वसीवाय पहले पानी, तू हमारा पर कृपा कर, ऊपर की तरह इधर से ढेर ढीला दे जा। हमने कहा नहीं बाबू हम लोग काम नहीं करेंगे, ये काम हम लोग नहीं करेंगे, हम लोगों ने कहा कि आप दया करिए। अब उनको ससुरा पूछिए नहीं सकता कि तुम करता क्या है, दया मांगने हैं तो पूछिए कैसे, पर कृपा मांगे हैं तो कहिएगा कि काम नहीं करने से छुट्टी नहीं देंगे, दया करिए दया। महादेव आप पूछ ही नहीं सकते कि करता क्या है जी, हम लोग कहते हैं हम लोग लोफर टाइप आदमी करेंगे, कौन सी आपको गुरु बनाया है, आप जल्दी से दया का थोड़ा सा चेक काटिए, इसीलिए हम लोग दया बोलते हैं कृपा नहीं बोलते हैं। वैसे आपको अगर ताकत है, अगर आप समझते हैं कि शिव के शिष्य सचमुच में आप हैं तो कृपा मांग सकते हैं, गुरु को देने का पूरा पूरी की पूरी व्यवस्था है, उनको दया करनी पड़ेगी। लेकिन हमने कहा कमजोर आदमी के कहे जाए महादेव से कि हम रहू चेला बोनल वाणी जानता नहीं होगा के रिस्क ली, हमने कहा कितने का सुना बाबू तू हमारे गुरु हम कहा चेला तू तो हम किसा को आया कहकर हमने कहा रिस्क ले जाए कि हम कुछ करी ना तो तू कुछ कर और ये काम हमें से ना हो। भाई की जी की रचना है कि शिव गुरु दूसरों को शिव गुरु का शिष्य होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरु चर्चा गुरु आदेशित कर्म कहा गया। इस चर्चा का क्या आध्यात्मिक महत्व है, पुनः दोहरा देता हूं कि दूसरों को शिव गुरु का शिष्य होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरु चर्चा को गुरु आदेशित कर्म कहा गया। इस चर्चा का क्या आध्यात्मिक महत्व है? भाई ने पूछा है कि जो गुरु चर्चा करते हैं आप दूसरों को शिव शिष्य बनाते हैं, इसका आध्यात्मिक क्या महत्व है? आध्यात्मिक हमारी पूछते हैं जो विज्ञान परमात्मा के विज्ञान से संबंधित है, ऊर्जा के विज्ञान से संबंधित है, आत्मा के विज्ञान से संबंधित है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं। एक बात समझ लीजिए, जब तक आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं, कुछ भी आपके भीतर संवेदना नहीं पैदा होगी। दुश्मन को दुश्मन समझेंगे तो दुश्मनी होगी, दोस्त को दोस्त समझेंगे तो दोस्ती होगी, बाप को बाप समझेंगे तो आप बेटा होंगे, पुत्र को पुत्र समझेंगे तो आप पिता होंगे, पत्नी को पत्नी समझेंगे तो आप पति होंगे। खेला समझने का है। एक आदमी है जो बड़े सुख से अपने परिवार में रहता है, पत्नी है, बच्चे हैं, अचानक उसका माथा खराब हो जाता है और उसी पत्नी और बच्चे को वो पीटता है, मारता है, समझ उसकी काम नहीं कर रही है कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, समझ काम नहीं कर रही है और वो पागल हो गया है। पागल मतलब मैड का पूरा होता है, मेंटल एपरेटस डिसऑर्डर, आदमी के माथे की मशीन का ठीक से काम नहीं करना, समझ उसकी खत्म हो गई, अपने पिता को ही मार रहा है, अपने बेटे को ही मार रहा है, अपनी माँ को ही मार रहा है, फिर उसका इलाज होता है, फिर ठीक होता है वो, तब समझता है कि वो मेरे बाबूजी हैं, तब प्रणाम करता है, पहले माता रहो उसका इलाज में आया तब समझता है मेरे पिताजी हैं, तब वो प्रणाम करता है, तब उसको समझ आती है तो श्रद्धा और प्रेम उसके मन में पैदा होता है। ठीक उसी तरह से जिस दिन आप समझेंगे कि शिव गुरु है,
दूसरों को समझाने में आदमी जल्दी समझता है, ये नियम है, लंबा हो जाएगा इसीलिए छोटा कर दे रहे हैं। दूसरों को समझाने में आप जल्दी समझते हैं, जैसे दूसरों को समझाते हैं वो भी समझता है, आप भी समझते हैं, और जैसे जैसे समझेंगे कि शिव गुरु है वैसे वैसे आप शिष्य बनेंगे। जिस दिन शिव को शिव समझ लीजिएगा उस दिन आप भी शिव हो जाइएगा, इस बात को जान लीजिए। दूसरों को समझाते हैं कि शिव गुरु है, जिस दिन समझाते समझाते आप समझ लेंगे कि शिव गुरु है उस दिन आपकी मना स्थिति भी शिव गुरु की मना स्थिति में परिणत हो जाएगी, आप भी शिव हो जाएंगे। कहा जाता है जानत तुम ही हो जाएगी, तुमको जानने वाला तुम्हारे जैसा होता है। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि ये शिव क्या है आप भी दूजा शिव होंगे, आप भी शिव होंगे, आपका पूरा का पूरा आचरण शिव जैसा होगा, और शिव चर्चाएं आपको आध्यात्मिक उन्नयन करती हैं, यही केवल समझ का खेला है। जिस दिन आप शिव को शिव समझ जाइएगा हे बल्ले बल्ले हो जाएगा, तब क्या कहना है। इसीलिए आपके गुरु ने कहा दूसरों को समझाओ ताकि वो भी समझे, तुम भी समझो, खेला तो समझ का है। इसी समझ को भारत के आध्यात्म ने कहा ज्ञान, इसी समझ को भारत के आध्यात्म ने कहा ज्ञान। दूसरों को समझाए आप भी समझेंगे, और जिस दिन शिव गुरु है इस बात को समझ जाएंगे। सूचना तो है, खबर तो है, समझ नहीं है हमको, आपको समझ होती तो कब के हम लोग शिव के शिष्य हो गए रहते। जिस दिन समझ आएगी कि शिव मेरे गुरु है उस दिन आप खुद ही शिव हो जाएंगे, आपके कर्म शिववत हो जाएंगे, आपका आचरण शिव जैसा हो जाएगा, सब कुछ बड़ा सुंदर हो जाएगा। और आदमी जब शिव जैसा हो जाएगा, शिव हो जाएगा, तो संसार आदमी से ना बनता है, समाज आदमी से ना बनता। चलिए रांची के ऐसे शिव गुरु महोत्सव में आप आए, परेशानियां हुई, मैं महादेव का चेला, भूखड़ का चेला, भूखड़ मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतनी प्रार्थना अपने गुरु शिव से करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, आपके दुख थोड़े कम हो जाए, और यही शिव के शिष्य के रूप में अनधिकार आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आपका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, आप यथार्थ में सचमुच में शिव के शिष्य बने, यही प्रार्थना है, यही अनधिकार आशीर्वाद है। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। छठी मैया हम के बोझिनिया, छठी मैया हम के बोझ।